Welcome to Mizoram! बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। बदलते मौसम, खान पीन, पौष्टिक आहार का संतुलित ना हो पाना, धूल धक्कड़ डस्ट, जैसे कि मैं ट्रैवल पे रहता हूँ तो ये जो समस्या है धूल धक्कड़ वाला, इसको काफ़ी फेस करना पड़ता है। बहुत लोगों को बहुत चिंताएँ होती है, मुझे तो ये धूल धक्कड़ वाला प्रॉब्लम है ट्रैवल की वजह से, और जिसके वजह से हेयर फॉलिंग की समस्या बहुत सारे लोगों में, ये आज के यंग जनरेशन में खास करके आ चुकी है, और उनमें से मैं भी एक हूँ। बस यही कारण है कि अब मैं थोड़े छोटे बाल रखने लग गया हूँ यार। पहले बहुत बड़े बाल, तो लंबे लंबे बाल तो नहीं रखता था सत्या भाई की तरह, लेकिन काफ़ी इससे तो काफ़ी मैं लंबे बाल रखता था। अब बाल टूटने लग गए थे तो थोड़ी चिंता तो होती है ना, धूल प्लस उसके बाद चिंता। तो अब लेकिन बाल टूटने लगभग खत्म होने के कगार पे हैं, खत्म ही हो गए हैं मैं बोल सकता हूँ। कारण क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये क्योर स्किन, मुझे पता चला कि ये बहुत ही काम आता है, काफ़ी वर्क करता है क्योर स्किन। वास्तव में ये क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी है दोस्तों, फेस से रिलेटेड समस्या या हेयर फॉलिंग से रिलेटेड समस्या आजकल काफ़ी लोगों में है, तो उससे निजात पाने के लिए है। और फिर मैं लगभग 15-20 दिन हो रहा है ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो काफ़ी इंप्रेस हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो प्रोडक्ट बेचते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा, ये उनके अंडर पे अपने प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी हैं। जैसे कि मैंने बताया, इनका अपना एप्लीकेशन है, आप लोगों को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट खरीदना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले मैं बताता हूँ कि आप लोग ऑर्डर कैसे कर सकते हैं और ये जो एप्लीकेशन है कैसे वर्क करता है। क्योर स्किन का जो एप्लीकेशन है दोस्तों, आप लोग उस पर सारा प्रोसेस करते हैं, साइन अप करते हैं, उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं फेस और हेयर से रिलेटेड समस्याओं के लिए। तो अगर आप लोगों को बालों से रिलेटेड कुछ समस्या है तो आप हेयर का आइकन को प्रेस करेंगे, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, डैंड्रफ, हेयर फॉलिंग की समस्या अलग अलग। तो चूंकि मुझे हेयर फॉलिंग की समस्या थी, मैंने हेयर फॉलिंग का ऑप्शन चुना। उसके बाद में एक चैट बॉक्स खुलता है, आप लोग चैटिंग में अपनी समस्या बता सकते हैं, वहाँ से आप लोगों का पिक्चर मांगा जाता है, स्कल का दो चार एंगल से मांग सकते हैं, वो डॉक्टर्स तक जाता है, प्रोफेशनल जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं, फिर आप लोगों को एक अच्छा सा किट सजेस्ट करते हैं आपके हिसाब से, और आप लोग वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपका जो ऑर्डर है वो घर पे आने के बाद आप लोग के एप्लीकेशन में आप लोग जाएं, कौन सा दवाई, कौन सा फेस वॉश कैसे यूज़ करना है सारा कुछ बताते हैं, डाइट प्लान भी आप लोगों के लिए होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सर्विस है, एक्स्ट्रा सर्विस जो डॉक्टर्स वाला, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप लोग इसका जो सर्विस है हमेशा ले सकते हैं जब तक आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं इनसे, और दवाइयाँ भी मंगा सकते हैं। अगर आप लोगों को इस क्योर स्किन से आप लोगों को कुछ भी मंगाना है और आप लोग ये कूपन कोड यूज़ करते हैं मेरा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। ये दोस्तों मैंने अपना पिक भेजा हेड का, स्कल का, तो जो डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेडिकेटेड एक शैम्पू है, उसके बाद हेयर कंडीशनर है, और रात में लगाने वाला ऑयल है, ग्रो प्रो हेयर सॉल्यूशन, और कुछ विटामिन्स की कमी या फिर किसी भी प्रकार में सेहत में अगर आपको अंदरूनी कमी है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ टेबलेट्स दिए गए हैं। कैसे खाना है ये पूरा एप्लीकेशन में लिख के आता है। मुझे तो सोने से पहले पर नाइट ये एक टेबलेट खाना है, तो
जो भी कमी होंगी वो पूरी हो जाएंगी। अब तो यार मैं बहुत खुश हूँ कि थोड़े लंबे बाल रख सकता हूँ, मैं बहुत टेंशन में आ गया था यार, बाल झड़ रहे थे। आप लोग भी ये मंगा सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को हेयर फॉलिंग की समस्या है तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, आप लोग भी मंगा सकते हैं। आइए अब वीडियो में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट और वेलकम टू आइजोल मिजोरम। ये जो आइजोल है यहाँ मिजोरम का कैपिटल सिटी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 सिस्टर में से एक। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा मैं अरुणाचल प्रदेश के लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में था, वहां से गुवाहाटी के लिए निकला और रास्ते में वीडियो ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं घर गया था यार अपने छत्तीसगढ़ जशपुर जिला में, मेरा गाँव है। लगभग 7-8 दिन था, बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था, कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं हम लोग टूरिज़्म को लेकर। आने वाले समय में डिटेल से मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, एक खुशखबरी है। वहाँ जिला कलेक्टर सर और जिला सीओ सर भी आए हुए थे। वो सब काम करके मैं 7-8 दिनों के बाद में अपने घर से रांची गया बस में, और फिर रांची से बाई फ्लाइट यहाँ आइजोल मिजोरम आया। कनेक्टिंग फ्लाइट थी रांची से कोलकाता और फिर कोलकाता से यहाँ आइजोल लिंगपुई एयरपोर्ट। और अभी मैं एक गेस्ट हाउस में हूँ यहाँ पर। कल मैं यहाँ रियक तलांग ट्रैक गया था, यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर आइजोल सिटी से। अच्छी जगह है, अगर आप लोग कभी आते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा है, तो 2-4 लोग आने से ज़्यादा सही है, वरना एक भी जाएँ तो भी उतना ही पड़ेगा। जैसे एयरपोर्ट से यहाँ तक आने के लिए 1400-1500 एक का, 3-4 लोग हैं तो भी 1400-1500। और मिजोरम आने के लिए ILP लगता है, इनर लाइन परमिट, अगर आप लोग लाइन बॉर्डर से आ रहे होते हैं तो बॉर्डर पे बन जाएगा, और फ्लाइट से आते हैं तो एयरपोर्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं मिजोरम का ऑफिशियल वेबसाइट से। रियक तलांग ट्रैकिंग के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी ट्राई किए, यहाँ का रिजॉर्ट घूमा, यहाँ का लोकल वाइन, लोकल राइस, बियर, लोकल नींबू पानी वगैरह के बारे में जाना, और बहुत ही टेस्टी लोकल कुजीन यहाँ पर मैंने खाया। सच में यार बहुत टेस्टी था। गांव हो या शहर, कोना कोना हर एक कोना मिजोरम का पहाड़ों में बसा है। प्रकृति की सुंदरता, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग, लोगों का व्यवहार, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनका वेलकमिंग नेचर, भाई साहब मानो मुझे तो मिजोरम से प्यार ही हो गया। यह मिजोरम जितना सुंदर है, यहाँ के लोग जितने प्यारे हैं, उतनी ही प्यारी यहाँ की लोगों की आदतें हैं। फिर वह बात हो ईमानदारी की, साफ सफाई की, ट्रैफिक रूल फॉलो करने की, या और कुछ। बात करूं यहाँ के खान पान की दोस्तों, मैंने यहाँ का बहुत ही फेमस खास प्रकार का अरसा सोचियर बाई, उबली हुई सब्जियाँ, मीजो चटनी, जोंगटा और भी बहुत कुछ लोकल फेमस कुजीन ट्राई किया। सच में यार बहुत ही टेस्टी था। यहाँ के लोग मेन कोर्स में राइस खाना पसंद करते हैं दोस्तों, जो कि वेज या नॉन वेज के साथ हो सकते हैं। और हाँ, यहाँ के लोगों को पोर्क का मीट बहुत ही पसंद होता है। बॉयल वेज नॉन वेज के साथ साथ यहाँ के लोग चटपटा स्पाइसी फूड भी काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ मिजोरम के आइजोल सिटी में रहकर दोस्तों मैं काफ़ी जगह घूमने भी गया, जैसे यहाँ का फेमस सोलोमन टेम्पल, यहाँ का बड़ा बाजार। ये बड़ा बाजार यार काफ़ी बड़ा है, सच में बहुत भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे। घूमने के साथ साथ मैं यहाँ के काफ़ी लोकल लोगों से भी मिला, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और हाँ दोस्तों, यहाँ का प्रेसबिटेरियन चर्च भी मैं गया था, आप वीडियो में देखें। इसके अगले दिन मुझे चंफाई के लिए निकलना था, वहाँ मुझे क्यों जाना था, क्या करना था, आप लोग आगे वीडियो में डिटेल से देख सकते हैं। ये चालतलांग टूरिस्ट लॉज में मैं रुका हुआ था, गवर्नमेंट का है, mizoramtourism.com से बुक कर सकते हैं। 5:45 हो रहे हैं अभी, 6 बजे सुमो है यहाँ से। ये भाई मैं जिस सुमो में जाने वाला हूँ वो इधर लगी है, आगे सीट ली है मैंने। चंफाई जा रहा हूँ, 11 जिलों में से एक है यार चंफाई। यहाँ 11 जिले हैं अभी फिलहाल मिजोरम में। निकल रहे हैं हम लोग यहाँ आइजोल सिटी से चंफाई के लिए, और सुबह 6 बजे का माहौल इधर का देखिए आप लोग, और ये रोड्स देखिए, अभी तक सफाई नहीं हुआ फिर भी कितना क्लीन है ना। कचरा फेंकोगे ही नहीं तो गंदा होगा कैसे।
बहुत क्लीन यार ये सिटी, मुझे लगता है पूरा मिजोरम ही ऐसा साफ सुथरा होगा। काश भारत का कोना कोना ऐसा होता, हर सिटी ऐसा होता। आप लोग देखिए गली कूचे सब। और मैंने देखा जब मैं आ रहा था यहाँ सुमो स्टैंड में, मैंने देखा कि घर के आसपास वाले जो रोड्स हैं, जैसे ये किसी का घर है तो ये अपने घर के पास के रोड को पूरा साफ कर जाएंगे, वो जो सफाई करनी है उनके आने से पहले ही। हेलो, एक बात और दोस्तों, यहाँ की चाहे बात सड़कों के बनने की हो या गांव या शहरों में घरों के बनने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले लगभग कुछ सालों में ही यहाँ की स्थिति काफ़ी सुधर जाएगी। तो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यहाँ चम्फाई मिजोरम से। ये चम्फाई यहाँ का एक ज़िला है, मैंने आप लोगों को बताया था 11 ज़िले हैं यहाँ मिजोरम में, और ये ज़िला मुख्यालय है चम्फाई। बहुत ही खूबसूरत ये शहर है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ही साफ़ सुथरा है यार। अभी मैं यहाँ पर एक सुमो काउंटर में आया था, क्यों आया था बताऊँगा। यहाँ चम्फाई में आया था एक दो दिन घूम के, फिर मुझे लुंगतान विलेज जाना था, वहाँ मेरे एक दोस्त हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख खबरी हो गया यार, क्योंकि वो आइजोल चले गए हैं जहाँ पर मैं था, और उनको आने में 10-15 दिन लगेगा। हालांकि उन्होंने बोला कि वो अपने भाई को भेज देंगे मुझे रिसीव करने के लिए, उनका जो विलेज है यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर है, और उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, लेकिन यार वही नहीं रहेंगे तो मुझे थोड़ा सही नहीं लगेगा, घर में भी क्या सोचेंगे, है ना, अपने दोस्त होते हैं तो अलग बात होती है। तो मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन यहाँ पर घूम के चम्फाई, और चम्फाई के आसपास यहाँ पर बर्मा बॉर्डर भी है लगभग 20 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ जा के आऊँगा। आज तो नहीं जा सकता, प्राइवेट टैक्सी बुक करके जा सकता हूँ, वो जो कि 3,000 लगेंगे जाने का और आने का। तो मैंने अभी सुमो बुक किया यहाँ से कल मॉर्निंग के लिए 150 रुपये जखतर तक। तो फिर लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया, किसी ने नहीं, 2-4 लोगों ने, कि अभी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, कुछ वॉर भी चल रहा है। न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा म्यांमार ने बम गिरा दिया था, 2 बम यहाँ पे, जो कि इंडिया के बॉर्डर के इस तरफ में आके गिरा था। हालांकि उन्होंने बोला कि गलती से गिरा दिया गया, वो अपने ही घर की लड़ाई थी, वो ऐसा कुछ है ना। व्हाट यू कॉल इट इन म्यांमार? पाउसी। हां, पाउसी। पाउसी, या ओके, इट्स बिग बमोस। हां, चाइनीज मोमो। चाइनीज मोमोस, ये चिकन और कोकोनट मिक्स है। दिस इज कोकोनट, दिस इज चिकन। ओके, यू वांट चिकन और कोकोनट? चिकन आई थिंक। चिकन, या बट सो व्हेन डू यू डू दैट? राइट अवे व्हेन इट्स हॉट, बिकॉज़ समटाइम्स या इट जस्ट गोस लाइक दैट, समटाइम्स इट्स मोर। आई विल गो बैक आइजोल डेपो टुमारो। Saturday? Hmm. Oh, me too. Are you on WhatsApp? Yeah. दिखने में बिल्कुल आइजोल सिटी जैसा ही है दोस्तों, ये जो चम्फाई सिटी है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा है और लोग बहुत कम हैं यहाँ पे। अगर संडे होता तो कोई भी आप लोगों को बाहर दिखाई नहीं देता, आज तो 2-4 लोग दिखाई दे भी रहे हैं। दोस्तों यहाँ मिजोरम के पॉपुलेशन की बात करूँ मैं तो पूरे भारत में सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम में, और उसके बाद यहाँ सबसे कम पॉपुलेशन में से दूसरा है ना। आइजोल सिटी में तो आप लोगों को काफ़ी लोग देखने को मिलेंगे, भीड़ भाड़, लेकिन उसके अलावा पूरा खाली खाली है भाई। लगभग 15 लाख के आसपास होंगे यहाँ पे जनसंख्या पूरे मिजोरम में। आइजोल सिटी में ऐसा ऑटो नहीं देखा मैंने, यहाँ तो चलती है। यहाँ इस ज़िला में यार खेती बाड़ी काफ़ी होती है इस चम्फाई डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ झूम खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है दोस्तों मिजोरम में। कहाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं भी पता नहीं। हेलो ब्रदर, इफ यू गो डोंट गो दिस साइड, ओके, डोंट गो टू, आई शुड नॉट गो देयर। या व्हाई? बिकॉज़ लाइक इट्स लाइक फॉरेस्ट जी। ओह, इट इज फॉरेस्ट देयर। ओके, गो दिस साइड एंड यू कैन गो। ओके, थैंक यू। या एक चीज और यार, यहाँ के लोग ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे लोग हैं भाई। जैसे
यहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम होगा, एकलौता चीज वो है कम्युनिकेशन का, लैंग्वेज का. लेकिन जिसको नहीं भी पता होता है ना, जो जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आ रही होती है, वो भी आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा, वो पूछेगा किसी और से. और एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे कहीं जाना था, मैंने जस्ट पूछा, उसने बाइक टैक्सी रुकवा के मुझे बैठा के पूरा विदा किया, ऐसा हुआ था. दोस्तों आइजोल में फिर भी लोगों को थोड़ा तो हिंदी आता ही था, इंग्लिश भी, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हिंदी लगभग नहीं आती लोगों को, इंग्लिश थोड़ा बहुत, वो भी ये सिटी में. और थोड़ा मैं बाहर जाऊँगा तो इंग्लिश भी कम आएगा. हालांकि एजुकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ के लोग बहुत ही एजुकेटेड हैं यार. केरल के बाद दूसरे नंबर में आता है लिटरेसी नंबर में यहाँ मिज़ोरम का. लेकिन अगर किसी एक ज़िला की बात हो कि भारत के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस ज़िले में ही एक सरचित करके एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ मिज़ोरम का, वो ज़िला ऐसा है जो भारत में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड ज़िला है. मतलब 98% वहाँ का लिटरेसी नंबर है. पता नहीं है मैं कहाँ पहुँच गया. ये दोस्त बोल रहे क्या भी करोगे क्या. ओह ओके लिसन, 3-3 टाइम्स फॉर बोथ. ओके हु विल विन ना. 3-3 ओके. 1 and 2 3 yeah. 1 oh, oh, oh. Oh, so winner is. ये दोस्त मुझे अपने घर पे बुला रहे हैं. Is your uncle home? बैठो बैठो. Okay, thank you. देखो यार अभी दोस्ती हुई, रास्ते में चलते चलते भाई मुझे जी बोतल पानी. या थैंक यू. या तो ये प्यार आप लोगों को मिलेगा यार मिजोरम में. पहले तो सुना था, अब फील कर रहा हूँ. सिर्फ यहाँ पे या फिर 2-4 लोगों से नहीं दोस्तों, हर जगह सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे. या थैंक्स यार. ये भाई भी मना कर रहा था बर्मा बॉर्डर जाने के लिए. ये बता रहे हैं कि ये कुछ दिन पहले गए थे तो बर्मा के सोल्जर्स ने इनको कहा कि आपको मरना है क्या, ऐसा करके. कुछ खा लेता हूँ यार मैं, फिर जो घूमना फिरना करूँगा. यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह भी है दोस्तों, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ. मैं जिस ले आया था वो तो नहीं हो पा रहा है, तो क्या बोलूँ बस. लेकिन बर्मा बॉर्डर जाके वापस आऊँगा, उसके बाद ही वापस आइजोल, फिर जहाँ भी जाना होगा. शायद मेघालय चला जाऊँगा मैं 2-4 दिन के लिए. मैं फिर आऊँगा यार मिज़ोरम. आसपास के गांव वैसे मैं जा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई दोस्त हो तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँगा. लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और वहाँ रुक के लोकल फैमिली के साथ में वो अलग होता है ना. यहाँ पान बहुत खाते हैं दोस्तों मिज़ोरम में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही, लेकिन यहाँ भी बहुत. ये ज़ोंगटा यहाँ बहुत पसंद किया जाता है. लोची बाय. ऐसा भी नहीं है कि सबको इंग्लिश आती है, बहुत कम लोगों को इंग्लिश भी आती है यहाँ पे. आइजोल में प्रॉब्लम नहीं होता है वैसे. यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ मैं बैठा हुआ हूँ दोस्तों, इधर से मिली. Welcome to Mizoram. Yeah, what is your name? Rampuya. Rampuya. Yes. And you? Rampuya. Rampuya का भाई. आप कैसे हो? आओ. मैं अच्छा हूँ. Nice. Bye. 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 Nice to meet you. Nice to meet you too. गली मोहल्ला में घूम रहा है, इधर ज़्यादा मज़ा आता है यार मुझे. बस यार अब जाने वाला हूँ यहाँ से होटल में, या फिर उससे पहले हो सकता है कि मैं थोड़ा मार्केट जाऊँ, ऊपर की तरफ वाला मार्केट. यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो भाई और भैया जी के साथ में आग ताप रहे हैं. भैया लोगों को हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता है, लेकिन इशारों से थोड़ा बहुत काम चला. और कल मैं बर्मा बॉर्डर जाने की बात मैं आप लोगों से कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने मना किया, लेकिन अभी फिर मैंने पूछा है एक टूरिज्म डिपार्टमेंट की में, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अभी बॉर्डर ओपन है, क्या मैं देखने के लिए जा सकता हूँ वहाँ पे. तो उन्होंने भी क्लियर मना किया है कि अभी आपको नहीं जाना चाहिए, बॉम्बिंग हुआ है और स्थिति थोड़ा सही नहीं है. कल वापस ही चला जाऊँगा मैं आइजोल, या तो कल देखता हूँ. रोज़ रोज़ तो
बम नहीं गिराएंगे ना। ये म्यांमार का वहाँ होम वॉर है दोस्तों, इंडिया के साथ वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने ही देश में लड़ाई हो रहा है। वो अभी आर्मी के हाथ में सत्ता चली गई ना वहाँ पे, तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं कुछ, वो आर्मी को सत्ता नहीं देना चाहते हैं, जैसा वोटिंग होता है वैसा कुछ चाहते हैं। यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं दोस्तों, ये सर के साथ आया हूँ मैं, IPS है। यहाँ पर फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग वैसे, लेकिन अभी क्रिकेट की शुरुआत भी हो रही है धीरे धीरे। एक भाई इधर जिन्होंने मिजोरम से रणजी खेला हुआ है, अभी तो नहीं खेल रहे ये वाले, वो सिखा रहे हैं यहाँ के लड़कों को। वो ये त्यागी सर IPS। और कैसा है, सबके हाथ में बॉल है और बॉलिंग के बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब बैट्समैन चेंज होते हुए, मैं यार बस बॉलिंग ही कर रहा हूँ। सबका जो किट है अपना अपना होता है, यहाँ पे मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी बॉल मिल गया है तो काफी है। जी मैच 2018-19 ओके नाइस। एंड स्टिल यू हैव मिजोरम टीम? नॉट नाउ। ओह देखो यार, इधर त्यागी सर बैटिंग कर रहे हैं और हम सब यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं बॉलिंग करने के लिए। इधर ये अच्छा पिक है। जो त्यागी सर हैं दोस्तों, वो खुद छोड़ने के लिए आए थे मुझे और उन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर हेल्प किया। वो बोल रहे थे कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है, मैं आपको घुमा दूंगा। वो अपने स्टाफ में से किसी को भेजेंगे मेरे साथ में घूमने के लिए कल, लेकिन उससे पहले मैं म्यांमार बॉर्डर जा के आऊँगा। डिनर में आज थोड़ा मसालेदार खा रहा हूँ यार। ये फिश करी है, आलू मिक्स और राइस। ये दोस्तों मेरा रूम, एक डॉर्मेट्री है और ये मेरा बेड, सोता हूँ मैं अभी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा, फिर भी कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जल्द मिलता हूँ आप लोगों से। नमस्कार।